एबे सबुटु बेशी बड़ विवाद घनैछि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नै। इतिमध्यरे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुर्की हातरे लागिछि एवं भारत हातरे लागिछि। प्रथमरु चीन एवं रशिया पाखरे तो S-400 रो मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहिछि। तेणु एबे कहा जाउछि कि अमेरिकार F-35 बा अमेरिका प्रशासन F-35 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ठारु प्राय 600 किलोमीटर दूर रे रहबा पई तार सेना मान को निर्देश दे छि। एपरी अमेरिका करबा पछरे कारण कोन ए विषय त आमे कथार्ता करबा, किंतु S-400 को नै आमो देश रे जेउ प्रश्नवाची चली छि ता उपरे चिंता करबा दरकार। कहा जाय कि अमेरिका रो जो मिलिटरी बाहिनी अछि, अमेरिका रो जो प्रतिरक्षा विभाग अछि, ताकु चैलेंज करबा पई सारा विश्व रे गुटिए देश अछि, ताहा हेउछि रूस। अमेरिका को अटैक करबा पई बा आक्रमण करबा पई जदि विश्वरे गोटे देश चिंता करिपारे ताहले ताहा हला रूस। रूसर प्रतिरक्षा एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सज्जित विभिन्न मारणास्त्र ही अमेरिका को चैलेंज करिपारिबो, एक कथा अमेरिका मध्य जानी। एथिपई रशिया उपरे आगुरु अनेक प्रकार रो बेन मध्य लगेछि रशिया। एमिति तो जेकोनसी देश निजर हथियार बनेई पारिबो, बिक्री करिपारिबो एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी रो व्यवहार करिपारिबो, किंतु विश्वर शक्तिशाली हेबा भळी गोटे देश एवं विश्वर सबुठारु पावरफुल कंट्री हिसाब रे अमेरिका विभिन्न देश मानकरे एही बैन ऑर्डर को लागू करथाय निजर फायदा पाए। अमेरिका चाहे नाही कि अमेरिका को टक्कर दला भली जेकोनसी देश विश्वर मुंड टेक। एही हिसाब रे रशियार मारणास्त्र लड़ाकू विमान तथा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नहीं आगुरु अमेरिका अनेक प्रतिबंधक लगे, किंतु एबे चीन उपरे मध्य प्रतिबंधक लागी छाडी, तुर्की उपरे प्रतिबंधक लागी छाडी, बंचिला भारत। तेणु भारतर S-400 नहीं अमेरिका प्रतिबंध लगे पारे न मध्य लगे पारे, कारण 70 वर्ष धरी भारत एवं अमेरिकार द्विपाक्षिक संपर्क बढ़ी आसी। एही हिसाब रे कहा जाउछि कि अमेरिका भारत उपरे एही बैन ऑर्डर को लागू करि पारे बा न लागू करि पारे, ताहा तो आगामी भविष्य कहिबो। किंतु S-400 को नहीं जो विवाद मुंड टेकिछि, एही विवाद थमिबार ना नेउ नाही। अमेरिका कौन प्रकृत चाहिबो कि भारत S-400 भली खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम व्यवहार करू? अवश्य एकथा डोनाल्ड ट्रंप को पीरियड रे तो घटी नाही। डोनाल्ड ट्रंप गला परे जो बाइडेन केऊ दृष्टिभंगी रे भारत को देखिबे ताहा मध्य एक प्रश्नवाची, किंतु अपर पटरे चीन रो प्रभाव शासन करबा को हेले बा डबेबा को हेले भारत को अमेरिका छूट देबा को ही पड़िबो। एमिति एक परिस्थिति देई भारत एवं अमेरिका गति करथिले हे प्रश्न उठुची जे मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 रो 600 किलोमीटर दूर रे अमेरिका तार F-35 को काहे की आकाश मार्ग रे रखिबा को चाहुची। प्रथम कथा हला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ए केवल डिफेंस करे नाही शत्रु को अटैक मध्य करथाय। मिसाइल फायर करिवार क्षमता एही मिसाइल डिफेंस सिस्टम रे रहिछि एवं सबुटु बड़ कथा एहार शक्तिशाली राडार। एबिति भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रे 96L6 MA2 राडार लागि, जहा कि मिसाइल को प्राय 580 किलोमीटर दूर रु डिटेक्ट करिवार क्षमता रखिछि, ताहा पुनी एका संगरे 100 मिसाइल को डिटेक्ट करिवार क्षमता मध्य S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रे रहिछि। एमिति रे एहार दायरा भीतर को चली आसिले एही मिसाइल डिफेंस सिस्टम निजर मिसाइल द्वारा आसुथवा मिसाइल को नष्ट कर देवार भय रहिछि। द्वितीय कथा हला जे सीरिया रे जो अमेरिका निजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम व्यवहार करथिला एथिरे इजराइल रो F-35 गुडी को मध्य क्षति होइथिला। इजराइल कथा जति धरिबा इजराइल पाखरे पाखापाखी प्राय F-35 50 टी रहिछि। इजराइल मध्य तुरंत गति रे चाहुछि कि डोनाल्ड ट्रंप जीवा पूर्वरु एमिति एक डील करा जाउ जेउठी अत्यधिक F-35 इजराइल को मिलिबो। एहा पछर कारण हला जे डोनाल्ड ट्रंप को काल रे इजराइल सह अनेक आरब देशर संपर्क गढ़ी उठिथिला, बाहरीन, कतार, UAE, सऊदी आरब एभली देश माने एबे इजराइल सहित बंधुता स्थापन करछन एवं एमाने एथिपई करछन जे ईरान सह एमानकर तिक्तता रही आसी। तेणु ईरान को प्रतिहत करबाकु हेले इजराइल रो सहाय्य आवश्यक एही आरब देश मानकु, किंतु इजराइल भी भलो करी जानिजी जे एही जो द्विपाक्षिक संपर्क चलीजी एहा जेकोनसी मोर्तरे भांगी जाई पारे। एमिति भी इजराइल एकमात्र देश जे आरब देश बधिरे रही मध्य शत्रु को मुकाबला करिवारे सक्षम, तेणु इजराइल चाहुची कि तार F-35 लड़ाकू विमान आहुरी बढ़ाई गले प्रतिरक्षा विभाग को एमिति मात्रा रे सजाड़ीबो कि आसंता काली जदि शत्रु संख्या बढ़ंती भी ताहले भी इजराइल को हराई पारिबे नाही।
କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେରିକା F-35କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ଏହାର ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା S-400 ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ସୀମା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ନିଜର ମିସାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମିସାଇଲ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବା ଲଡ଼ାକୁ ବିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏହା ଯେକୌଣସି ସୀମା ବା ତୁର୍କୀ ସୀମା ଭାରତ ସୀମା ଯାହା ପାଖରେ S-400 ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେହି ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ F-35 ଗତି କଲେ ହୁଏତ ସେହି ଦେଶରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଆକ୍ରମଣର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ତିକ୍ତତାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଭାରତରେ S-400 ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଆଗକୁ ଚାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।